अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ किए टिप्पणी के लिए कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का पुतला जलाया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि भाई बलवंत सिंह राजुआना की फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील करने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने ऐतराज जताया और अकाली दल के लीडरों को आतंकवादी कहा, जिसके खिलाफ यूथ अकाली दल के जिला अध्यक्ष गुरदीप सिंह गोशा और प्रभजोत सिंह धालीवाल की अगुवाई में भारी संख्या में यूथ अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और घंटाघर चौक में उनका पुतला जलाया। यूथ अकाली दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया और रवनीत सिंह बिट्टू के बयान की निंदा की। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू को अपनी टिप्पणी पर बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। इस मौके उनका और क्या कुछ कहना रहा, आइए आप भी सुनिए। कांग्रेस सरकार दा ते रवनीत सिंह बिट्टू जी दा सी पुतला साड़ के प्रोटेस्ट किया यूथ अकाली दल ने, उहदा इक्को इक कारण है क्योंकि बिट्टू जी अज ओछी राजनीति कर रहे हैं, अपनी बयानबाजी दे नाल चमकना चाहते हैं, काम करन उन्हां नूं तैयार नहीं। अज 35 साल बाद बूर पिया जिहड़े सिखां नूं न्याय मिलण दी गल मोदी सरकार ने की, अकाली दल दीआं जिहड़ियां मेहनतां नूं बूर लगा उहदे ते ओछी राजनीति करके अपनियां रोटियां सेकणा चाहते, जिहड़ा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगे। पंजाब दे विच मसा मसा हालात शांत होए, हिंदू सिख एकता जी जिहड़ा इन्हां ने कांग्रेस सरकार ने पाड़ पाया सी ਉਹ ਪਾੜ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਪਾੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕੱਲੀਆਂ ਇੱਕ ਚੰਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਂਬਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼।